हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड गुड आफ्टरनून। क्योंकि अभी ना दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब आज सैटरडे है और आज ये भी बंद है। मतलब आज सैटरडे है तो पानीपुरी की दुकान बंद रहती है। आज बहुत सारा काम था, मैं सुबह से सोच रहा था कि क्या करना है। तो मेरा सबसे पहला काम है कि मुझे ठेले में पेंट करना है, ठेला भी धोना है, काउंटर भी धोना है। और पवन को मैंने सुबह फ़ोन किया था लेकिन वो सो रहा था। 9 बजे के आसपास फ़ोन किया था और उसने भी आज दुकान नहीं खोली। लेकिन कल मैं शाम को उसकी दुकान में गया था, आप लोगों ने पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो उसमें वो बोल रहा था कि मैं कल दुकान खोलूंगा। लेकिन जब मैंने सुबह उससे रीज़न पूछा दुकान ना खोलने का, तो वो बोल रहा था ना यार कि मार्केट अभी एकदम ठंडा चल रहा है। और आप लोगों को मैं धूप दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा धूप है भाई। देखो अगर मैं इस तरफ आऊं तो बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है। रीज़न ये भी है कि अभी हम लोग ठंडे मौसम से आए हैं। मतलब अभी कुछ एक हफ्ते पहले ठंडी थी और अचानक गर्मी हो गई। बॉडी को एडजस्ट करने में अभी टाइम काफ़ी लग सकता है। तो ब्लॉग में बने रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप पहली बार ब्लॉग पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। और ऐसे ही ब्लॉग मैं इसमें डालता रहूँगा। तो चलिए पंप चालू कर लेते हैं। और ये जो शेरू लेटा हुआ है, अभी मैं दिखाऊँगा आपको पंप चालू करने के बाद ये कैसे यहाँ से भागता है। पहले मैं इसको इधर मोड़ दूँ, इस तरह मुड़ा हुआ रहता है ये पंप। ये अभी देखिएगा, बस देखिए। ठेले में ना पानी मार दिया है और ये शेरू देखो फिर से यहाँ पे आके बैठ गया। तो ये जब तक फूल जाएगा पूरा ना, जब तक इसको मैं उसके बाद इसको अच्छी तरह से साफ कर दूंगा। और उसके बाद मेरे को सबसे पहले ये निकालनी है, ये निकाल के इसको धोना है। क्योंकि फिलहाल 1 घंटे की मेहनत के बाद काम पूरा हुआ, पूरा ठेला चमक चुका है, सारा पानी गिर चुका है। और ये गर्मी है तो सूख जाएगी। और ये रहा मेरा ठेला, एकदम चमक चुका है। नथू चाट पानी पूरी सेंटर, हमारे यहाँ चाट फुल्की चीला चाउमीन और सभी प्रकार के ऑर्डर लिए जाते हैं। मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कि चाउमीन वगैरह लिखा हुआ है तो चाउमीन कहाँ है। मैं बोलता हूँ भाई चाउमीन जो उसमें लिखा है, चाउमीन चीला और भी प्रकार सभी प्रकार का ना, तो ये सब शादी पार्टी में जो ऑर्डर लेते हैं ना हम लोग, उसके लिए है, बुकिंग के लिए है। वैसे हम लोग बेसिकली खाली चाट और पानी पूरी ही बेचते हैं, दो ही चीज़ हम लोग दुकान में भी चलती है। करीब से जाके दिखाऊं तो देखिए, ये देखिए मेरा काउंटर भी यहाँ पे, मैं इसको धो चुका हूँ, ये भी आज पूरा साफ़ हो चुका है। और करीब से जाके दिखाऊं तो देखिए इसमें जो नेट है ना, जो इसमें पूरा ऑयल जम जाता है, तो उसके चक्कर में इसको साफ़ करना पड़ता है बार बार। और मैं ये सोच रहा हूँ ये चक्के वगैरह भी धोऊं कि नहीं यार, गर्मी लग रही है इसकी। कभी मन कर रहा है धोऊं, कभी मन कर रहा है नहीं धोऊं, लेट्स ट्राई, देखते हैं। और बाकी तो देख लो चमक गया है। देखिए मैंने घर से 150 रुपये लिए हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ लेके आता हूँ, आप लोग भी देखोगे ना तो बोलोगे मस्त चीज़ यार। और एक मेरी जो गैस की टंकी है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई, एकदम गंदी दिखती है। तो एक पेंट लेके आऊँगा मैं स्प्रे वाला, तो बने रहेगा, मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो ये वो पेंट है जो साइवा करके कुछ ब्रांड है उसका, और ये मैंने इस दुकान से लिया है। तो फिलहाल तो घर आ गया हूँ। और शेरू देखो अभी भी यहीं पर लेटा हुआ है, जो गीली ज़मीन थी उसमें ठंडक मिल रही होगी इसको। और अब सबसे पहले टंकी का काम चालू करता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं खोल लेता हूँ, किससे क्या खोलूँ कुछ है नहीं, हाँ चम्मच, ठीक है चम्मच से इसको खोल लेता हूँ। जैसे भी खुले, एक दो बार घुमाऊंगा तो आई विश कि खुल जाए। हाँ देखो ये खुलने लगी है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखाऊंगा ना, उसके बाद मैं इसमें हल्का सा गीला कपड़ा मार दूंगा या फिर नहीं भी मारूंगा तो चलेगा। और यही वो रेगुलेटर है जो मैंने अभी नया लिया था, आगे मैं आपसे बात करता हूँ पूरी की पूरी। तो यही वो रेगुलेटर है जिसकी वजह से ना कल वाले वीडियो में पूरी टिकिया मेरी जल रही थी। देखो एकदम नया हुआ है और पूरा क्लीन रहता है, इसीलिए ये ऐसा होता है। तो चलो अब देखो इस टंकी का हाल देखो पहले। अब थोड़ी देर में कपड़े से पोंछ लेता हूँ पहले मैं इसको। तो पहले मैं एक फैक्ट्री से कागज़ लेता हूँ, क्योंकि जब मैं पेंट करूँगा ना तो वो पूरा फर्श में लग जाएगा वहाँ पे। ये देखिए भैया लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये मैं ले आया हूँ कपड़ा, अब इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया। तो सबसे पहले इसका ढक्कन खोल लेता हूँ मैं इसको। ये खुल गया, खुल जा भाई, इसको सबसे पहले हिला रहे हैं ना। अब देखिएगा बस तुरंत, ये देखिए एक तरफ का और देखिए इस तरफ का, कितना फर्क है दोनों में। तो देखो गाइस मैंने इसमें पेंट कर दिया है, अब ये काफ़ी एकदम रेड आपको दिखाई दे रही होगी। और इसमें थोड़ा सा बचा होगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं बचा होगा, मतलब बोल सकते हो इनडायरेक्टली कि ये मेरे को पेंट 150 रुपये का पड़ गया। क्या करोगे, लाल रहेगा और थोड़ा सा बचा हुआ है, कभी कभार कर दिया करूँगा। अब इसको मैंने ठेले के ऊपर रख दिया है, ये छोटा सा ठेला हम लोग पास एक और है,
तो इसमें ये हो जाएगा, सूख जाएगा धूप में जल्दी। काउंटर रखा हुआ है और यहाँ पे मैं अपनी टेक वाली वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन अभी तो बहुत दिन से बंद है। अब देख सोच रहा हूँ मैं कब चालू करता हूँ, इसको रख देता हूँ पहले। वैसे ना हो सकता है मैं आज ही अपनी एक टेक वाली वीडियोस बनाऊँगा, तो आज मेरे चैनल पे वो आ जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर मन हो तो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि उस चैनल को ना मैं अलग ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरे को वीडियो बनाने से मिलता क्या है। मैं बेसिकली 4 सालों से वीडियो बना रहा हूँ, कॉमेडी वाले चैनल भी थे मेरे, टैग वाले वीडियोज़ भी थे, और व्लॉग भी पहले का तो बनाया था, लेकिन ये वाला व्लॉग वाला चैनल जो है ना मेरा ग्रो हो गया, तो आप लोगों का सपोर्ट इसमें मुझे हरदम चाहिए और मैं ऐसे ही इसमें कंटेंट पोस्ट करता रहूँगा। हाँ, तो क्या बात थी कि वीडियोस तो क्यों बनाता है, तो मैं बोला क्यों ना बनाऊँ। वो बोलते हैं क्या मिलता है, मतलब क्या जाता है, ठीक सही बात है कि नहीं, क्या जाता है। तो बोले दिमाग मतलब है इसलिए लगा रहा हूँ। तो बोले कि कितना वीडियो बना चुका है, बोलते हैं वीडियो बना के तू क्या साबित करना चाहता है, मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बोलता है कि नहीं तू क्या बन जाएगा। बहुत लोग हैं भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मम्मी कैसे बता रहा हूँ, बहुत लोग मेरे दुकान में भी आते हैं, भाई आजकल तो तेरा फुल्की वाला सब कुछ सिखा देगा, तो फुल्की बनाना है और अपने बगल में एक दुकान भी लगवा लेगा, ऐसे करके आके मुझे कमेंट्स करते हैं मेरे दुकान में आके। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग फुल्की बनाना सीख गए एकदम प्रॉपर सब कुछ सीख गए कि नहीं। तो मैं उन लोगों से ये बोलता हूँ कि देखो मैं सिखाना नहीं चाहता किसी को, बस ऐसे ही मेरा मन करता है, मेरी हॉबीज़ है बोल सकते हैं वीडियो बनाना, तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो बोल रहा है क्या बनना चाहता है, अमित बढ़ाना बन जाएगा। और हम लोग छत्तीसगढ़ में बोलते हैं ना कि तय बन के का दिखावे, अमित बढ़ाना थोड़े ना बन जावे, ऐसे करके बोलते हैं। तो बस उनसे बस एक ही बोलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं बनना है, आई विल बी क्रिएट माई ओन नेम, मतलब मैं खुद का अपना नेम बनाना चाहता हूँ। और एक आध लोग ये भी कमेंट कर देते हैं, भाई आप बीच बीच में इंग्लिश वाली लाइन कैसे बोल देते हो, कितने तक पढ़े हो। पढ़ा लिखा नहीं, बस ऐसे ही नॉलेज है। और एक पानीपुरी वाला कितना क्या पढ़ सकता है, कुछ ठीक है जैसा भी है। तो अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद देखिए टैग वीडियोज़ बनाता हूँ, और वो भी देखिएगा आप लोग कैसे शूट करता हूँ मैं। तो फिलहाल देखो ये टंकी तो पूरी सूख चुकी है अच्छी तरह से, अब इसको मैं अंदर ले जाता हूँ और रख देता हूँ भाई यहाँ पे, और मुझे भूख लगी है, अब देखते हैं घर में खाने को क्या मिलता है। तो फिलहाल खाने को तो मिल गया है, ये फ्राइड राइस है, तो जो रात को चावल बनते हैं ना उसको हम लोग सुबह फ्राई कर लेते हैं, तो वही वाले चावल बचे हुए थे वही खा रहा हूँ। और टाइम भी हो गया, वैसे मैं जब पानीपुरी दुकान खोलता हूँ ना, तो उस टाइम भी लगभग मेरे को 4 बजे 4:30 बजे के आसपास भूख लगती है, तो वही टाइम अभी सेम हो रहा था, तो खा लूँ फिर बात करता हूँ। और मैं आपको इधर ठेले की हालत दिखाऊँ, तो देखो पूरा चमक चुका है, और ये लकड़ी जो है ना इसमें मतलब जो साइड के कॉर्नर हैं उसमें मैंने पेंट नहीं किया, और काउंटर की लकड़ी में भी नहीं किया, और चक्कू में भी नहीं किया भाई, थोड़ा सा एकदम आलस लग रहा था और आलसी हूँ भी मैं वैसे। और बाकी सब काम तो मैंने कर रखा है, बस भाई एक पेंट नहीं कर पाया, तो उसके लिए सॉरी यार, वो नहीं दिखा पाया। और टैग वीडियोज़ भी बनाने हैं, वो भी बनाऊँगा कि नहीं वो भी कोई पक्का नहीं है, तो उसके लिए भी सॉरी यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार, टैग वीडियोस बनाना है। और व्लॉग तो आपको पढ़ देना ही देना है, क्योंकि मैंने पोल भी करवाया था जिसमें से 20% मतलब 20% से कम लोगों ने बोला कि आप भाई आप 2 दिन में एक व्लॉग डाला करो, और 80% लोगों ने बोला कि आप पर डे व्लॉग डाला करो, बहुत ही मज़ा आता है। तो वही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और पानीपुरी की दुकान भी खोलनी पड़ती है रोज़, तो बहुत मेहनत लगती है। फिलहाल तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये सारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हम लोगों को बहुत जल्दी ग्रो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, और सपोर्ट करिएगा, बाय।